सुनियो जानी चोर के किस्से की कुछ और रागनी आपकी सेवा में पेश करता हूँ। आपने सुना कि एक हिंदू नारी नार महकते को अदली खान ने अपनी कैद में डाल रखा था और उसे जबरन अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तो महकते ने अदली से ये प्रार्थना की थी कि यदि 6 महीने में कोई हिंदू जाम मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आता है तो मैं आपके अधीन रह सकती हूँ। तो महकते तख्ती पर अपना बयान लिख लिख कर बहती दरिया में तख्ती को बहा देती थी। तख्ती किसी जगह पर जानी चोर व उसके मित्र नर सुल्तान को मिल जाती है। तो जानी चोर महकते को अदली खां की कैद से छुटाने का संकल्प करके चल देता है और एक परवाना लिखकर अदली खां के दरवाजे पर टांग देता है, जिसमें अदली खां को खुली चेतावनी लिखती कि मैं जानी चोर महकते नार को छुटाने के लिए आ गया हूँ। तो जैसे ही अदली खां ने अपने दरवाजे पर टंगी वह चिट्ठी पढ़ी तो अदली खां क्या कहता है। जान गया दरवाजे पे हुआ अदली खां खड़ा, बाँच के परवाना तन में सांप सालड़ा। जान गया दरवाजे पे हुआ
चंगा शैतान जान का बाँच लिया पर बना करके जान जान का महक देने ले जागा ऐलान जान का महक देने ले जागा ऐलान जान का इब तक जुती लगते ठाए इब तक जुती लगते ठाए न मरदा ते भिया बाँच के परवाना तन में सांप साल बचावेगा जनी लक्ष्मी चंकिस डाल जान बचावेगा जनी दिखा दूंगा दाना दड़ता दिखा दूंगा दाना दड़ता कैद में पड़ा अदली खां ने जानी को पकड़ने व उसे मारने की तरकीब सोची और उसी के कहने से धम्मन सुनार जो कि अदली खां का एक अजीज आदमी था उसने जानी चोर को पकड़ने का बीड़ा उठाया था और जानी चोर को तो इन सब बातों का मौसी नथिया से पता चल गया था। उसे पता चल गया कि धम्मन सुनार का जमाई 12 साल से कहीं गुम हो गया है। अब तो जानी चोर की समझ में एक तरकीब आ गई। एक ज्योतिषी पंडित का भेष बनाकर धम्मन सुनार के घर पहुंच गया तो पंडित जी को देखते ही सुनारी ने उनका बड़ा ही स्वागत किया। कहने लगी कि पंडित जी क्या मेरा भी संकट आप दूर कर सकते हो और क्या मेरे प्रश्न का भी उत्तर आप बता सकते हो। तो जानी चोर यानी के पंडित जी सुनारी से क्या कहते हैं। सो दक्षिणा दे दिए कर दूं काम भलाई का तेरे प्रश्न का उत्तर से दुख से तने अपनी जाई का ओ दक्षिणा दे दिए कर्जों का भलाई का तेरे प्रश्न का उत्तर से दुखे से तने अपनी जाई का एक मिनट में मैं टूंगा
नारा से मेरी जो चिसना जिसकी लिकड़े इसमें मतलब सारा से एक आदमी दुख दे गया जो तन्ने जीते प्यारा से बारह साल हो लिए करते एक आदमी जा रहा से बारह साल हो लिए करते एक आदमी जा रहा से ओ मेरी जो चिसनू कहरी से तू बुझे हाल जमाई का सिर पर संखा उत्तर से दुख से तने अपनी जाई का ओ जीता वे सो सचना दे दिए सर्दियों का भलाई का सिर पर संखा उत्तर से दुख से तने अपनी जाई का बिना पति के कर लेगी थोड़े दिन मैं देख सुनारी गूंट जहर की भर लेगी एक साल जो ना आया ते कतिये जीते मर लेगी मेरी बात न मानेगी ते परले पार उतर लेगी मेरी बात न मानेगी ते परले पार उतर लेगी ओ दान दक्षिणा दे ब्राह्मण ने गाइये गीत बधाई का सिर पर संखा उत्तर से दुख से तने अपनी जाई का ओ सीता वैसो दक्षिणा दे दिए सर्दियों का भलाई का सिर पर संखा उत्तर से दुख से तने अपनी जाई हो जा मन का फूल खिला दूंगा विद्या याद बहुत से मेरे सारी विपटला दूंगा मारूंगा एक मंत्र पढ़ के गात ऊंचा चीला दूंगा इतनी शक्ति है मेरे में वीर मर्द मिलवा दूंगा इतनी शक्ति है मेरे में वीर मर्द मिलवा दूंगा ओ ज्योतिष विद्या ज्योतिष विद्या जानू सूरी कर दूं काम सफाई का तेरे प्रश्न का उत्तर से दुख से तने अपनी जाई का ओ सीता वैसो दक्षिणा दे दिए कर दूं काम भलाई का तेरे प्रश्न का उत्तर से दुख से तने अपनी जाई मानसिंह का चिल्ला सू मैं लक्ष्मी चंचे नाम मेरा जिला रोहतक तहसील सोनीपत सिरसा जाटी गांव मेरा ज्योतिष का प्रचार करूं सू जो है रोज का काम मेरा जो दे देगी सो ले लूंगा इतना जिगर मुलाम मेरा जो दे देगी सो ले लूंगा इतना जिगर मुलाम मेरा मुफ्त में परसन बूझ लिया ना खर्च लग गया एक पाई का तेरे परसन का उत्तर से दुख से तने अपनी जाई का ओ जीता वैसो दक्षिणा दे दिए कर दूं काम भलाई का तेरे पर संका उत्तर से दुख से तने अपनी जाई का पंडित के भेष में जानी चोर सुनारी को धीरज देता है कि तेरी बेटी सोनादे का खोया हुआ पति कल रात में खुद तुम्हारे घर आ जाएगा लेकिन कहता है कि 12 साल में तो उठारे घर का पता भी भूल गया होगा वो तुम्हें इस गली में इधर से उधर घूमता दिखाई देगा तो एक चिराग लेकर उसको अपना घर दिखा देना ये कहकर
जानी चोर वहां से चला आया। अगले दिन खुद सुनार के जमाई का भेष बनाकर रात के समय सुनार के घर के लिए चल देता है। उस समय का वर्णन सुनिए। महल का नक्शा तार का चला कंधे दुसल्ला डार के चला जन्नी चोर धार के चला केस जमाई का महल का नक्शा तार के चला कंधे दुसल्ला डार के चला जन्नी चोर धार के चला केस जमाई का। बापू आज मेरा चल रहा से जन्नी सुमन पर मिल रहा से देवी माई का महल का नक्शा तार के चल्या बंदे दो साल डार के चल्या जन्नी चोर धार के चल्या देश जमाई का। से है मैं थाली या सुखे राख्या न जाने जाने मैं रुखे जाने मैं रुखे तमन ने दुख तमन ने दुख ज्यादा कर लिया इनाम लेने का इरादा कर लिया सवा रुपये का फादा कर लिया टोटा ढाई का महल का नक्शा तार के चल्या बंद दो साल डार के चल्या जन्नी चोर धार के चल्या केस जमाई का। कमीज पहर के बदला चोर नया सा पागल गज पे मोर गज गज पे मोर चले जोर नहीं हर आके तावड़ कर कदम धर आके पहुंच गया धम्मन घर आगे थबेरा राही का महल का नक्शा तार के चल्या संगे दो साल डार के चल्या जन्नी चोर धार के चल्या देश जमाई का। हो कोट कसी काला छेल बटे बना निराला बना निराला हाँ चाला कर दूँ चाला कर दूँ रच के माया लक्ष्मी चंदा भाग सवाया दे दूँ दंड क्यों बीड़ा ठाया मेरी बुराई का
नक्शा तारिक चलिया संग दूसरा लटारिक चलिया जनी चोटारिक चलिया देश जमाई का हो। सुनारी तो जलता हुआ चिराग लेके और सही सांझ ते ही अपने जमाई की इंतजार में डोडी पे खड़ी थी। सज धज के जमाई के भेष में जानी चोर रात के 12 बजे पहुंच गया। सुनार के घर वालों ने जानी यानी नकली जमाई की खातिर तवज्जो करी और सुनारी अपने जमाई से क्या कहती है। चुप कर कर गया जी आवन ने कर पागी राही तने बारे साल में आज आने के बेटा शान दिखाई तने चुकर कर गया आवन ने चुकर पागी बेटी बिनते घर में सुन्नी से धन माया सांच बता दे परदेसा में तू किसी खेला खाया के कार व्यवहार करा तन कितना धन कमाया तेरा न कित चला गया अरे महाराज जी घबरा कारण तू किस कारण तू बाहर गया के टोटा पड़ गया धन के मैं मारे घर आवन की खातिर के ना लगी उचा की तन के मैं तेरे ओर का ख्याल करें थे हम कई कई बे दिन के मैं आया कोना लेन बहू ने के सोच मन के मैं या के सोच मन के मैं 12 साल खो दिए बेटा 12 साल खो दिए बेटा ये चाही नहीं लुकाई तने 12 साल में आज आने के बेटा शाम खाई कुंबा फिकर करे था इसी करी डूबा ढेरी तेरा भेद कित ना पाया जगह जगह चिट्ठी गेरी कौन देश में बस गया बेटा जगह रहन की थी तेरी तेरे फिकर में सूख लिया सोना दे बेटी मेरी ब्याह करवाते छोड़ गया तू ब्याह करवाते छोड़ गया तू घर रहना था
के आने के बेटा चांद दिखाई तने घर मारा चुकर वक्त गुजारा बेटा हो घर कुन बेतनारा लक्ष्मी चंद कह छाल कराना बरस बिता दिए बारा बारह साल ते सब सहरा में तो हुए था कुन बासारा तो हुए था कुन बासारा छोड़ती बरिया कहीं भी छोड़ती बरिया लाज शर्म नाई तने बारह साल में बेटा जान दिखाई तने और फिर सुनार की लड़की सोना दे अपने पति से कुछ गुस्सा और कुछ प्यार दिखाती हुई क्या कहती है आज ते मैं लड़ूंगी घई आया घने हो दिन में धरी घनी बढ़िया मोल की धरी घनी बढ़िया मोल की मारे सखी बोल की आई बाकी रह के तन में टूटी सुबह शाम मरद बिन वीर बता किस काम मरद बिन वीर बता किस काम क्या मेरे राम के बनी रहेगी मन की मान में सामान धराने सन का सजन भला के जीना से उनका सजन भला के जीना से उनका जिन वीरा का रूस जाधई दुख हो जवनी पान चंद भजन मेला जान के क्यों फोड़ दिए मेरे भाग जान के क्यों फोड़ दिए मेरे भाग नाग तेरे मथे की मई
पान में प्रकार से काफी देर तक बातचीत चलती रही। जानी यानी के नकली जमाई कहता है कि ये गुस्सा व प्यार तो हमेशा चलता रहेगा, अब कुछ जरूरी खास बात भी तो करनी है। मैं जो 12 साल बिताए हैं वे वैसे ही बेकार नहीं किए, मैं बड़े बड़े हुनर सीख के आया हूँ। मैं सोने चांदी टूम व जेवरों को इतनी सफाई से निखारता हूँ कि बस जेवर का रंग रूप ही बदल जाता है और वो चमक पैदा करता हूँ कि आदमी देखकर खुश हो जाता है। अब तो ऐसा करो कि जल्दी जल्दी अपने घर का भी सारा जेवर और ग्राहकों का भी सारा जेवर ले आओ, मैं सुबह तक निखार के तैयार कर दूंगा। इतनी बात सुनकर सोना देव उसकी माँ ने घर का सारा जेवर जानी के पास में डाल दिया और फिर आराम से सो गई। जानी को तो किसका जेवर निखारना था, घर वालों के सोते ही सारे की गठड़ी बांध के और वहां से चल दिया और ला के मौसी नथिया को सौंप दी। इधर जानी को पकड़ने व मारने का बीड़ा एक दरोगा ने उठाया था, तो रात के समय दरोगा भी गली में पहरा लगा रहा था और इधर से जानी चोर भी जनाने कपड़े पहनकर दरोगा के पास में पहुंच गया। दरोगा तो जानी चोर को औरत समझ लिया और उससे प्रेम भरी बातें करने लगा और फिर बातों बातों में बताने लगा कि मैं जानी को पकड़ने के लिए ही पहरा दे रहा हूँ और यह जो कटकट तुम देख रही हो इसमें बंद करूंगा। तो जनाने वेश में छिपा जानी कहता है दरोगा जी से कि दरोगा जी भला इस कटकट में जानी कैसे आ सकता है, ये तो बहुत छोटा है। तो दरोगा शान से कहता है कि नहीं, तुझ जैसी औरतों को क्या पता इन बातों का, इसमें तो जानी आराम से आ जाएगा। लेकिन दरोगा जी आप जरा इसमें बंद होकर दिखा सकते हो जिससे मुझे भी यकीन आ जाए। तो दरोगा कहता है कि ए स्त्री तुझे यकीन नहीं आता, हम ठीक कहते हैं, हम तुझे इसमें बैठकर दिखाते हैं। और जैसे ही दरोगा कटकड़ में बैठता है तो जानी उसको बंद कर देता है और फिर अपने जनाने वस्त्र उतार कर फेंक देता है और दरोगा से क्या कहता है। वेश जनन्ना देख मेरा तू समझे था मने लुगाई, किसने बहु बनावे दरोगा जन्नी तेरा जमाई। जनाना देख मेरा समय देता मैं लुगाई, किसने बहु बनावे दरोगा चन्नी तेरा जमाई। जोड़ चाहे पैर पकड़ना खाना माँ तेरा से, किसी करी उसी आप भरेगा तेरे सर पे पाप धरा से। जन्नी का के मतलब था तू आके आप घिरा से, तू मन पकड़न खातर आया खुद मने इंसाफ करा से। तने रोक लिया मैं टोक लिया, रोक लिया मैं टोक लिया, मैं जा था राही राही, किसने बहु बनावे दरोगा
आज की कितने डूब मर जाइए के जन्नी ने तेरा बिगाड़ा किसी बात ना चाहिए। भोजन चार करूं मैं तेरा तू बैठ प्रेम से खाइए तू मेरी कैद करावे साहिब अपनी खैर मनाइए। मेरे पकड़न की खातर क्यों तन मेरे पकड़न की खातर क्यों तन नंगी ते उठाई किसने बहु बनावे दरोगा जनी तेरा जमाई बेसे जनाना देख मेरा समय दे दामन लुगाई किसने बहु बनावे दरोगा जनी तेरा जमाई। उसने छेड़ा था तन कुछ भी ज्ञान नहीं से अपा देख और ना देखा सही इंसान नहीं से के अदली खां के बदले में तन प्यारी जान नहीं से यूं सोची तन मेरे जिसा कोई बलवान नहीं से एक सरडे तू बाज लिया एक सरडे तू बाज लिया ना देखा खंदक खाई किसने बहु बनावे दरोगा जनी तेरा जमाई बेस जनाना देख मेरा समय दरोगा किसे दरोगा बहुत मिले मैं परवाह करता कौन देवी का वरदान मने में न्यू है फिरता कोना 360 फिरे से अदली मैं उस ते डरता कोना छत्रापन के काम करे बिन हर गज सरता कोना लक्ष्मी चंद महक देखी मैं लक्ष्मी चंद महक देखी मैं आया करने रिहाई किसने बहु बनावे दरोगा जनी तेरा जमाई बेस जनाना देखे मेरा समय जैदा मन लुगाई किसने बहु बनावे दरोगा दरोगा को मार पीट के जानी चला आया। अदली को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा क्रोध आया और अब खुद अदली ने ही जानी को पकड़ने का बीड़ा उठा लिया। लेकिन अब की बार फिर जानी ने अपनी कुशल जासूसी कला का परिचय दिया और किसी घर में जानी जनाने कपड़े पहनकर बुढ़िया का भेष बनाकर चाकी पीसने के लिए बैठ गया। अदली खां उधर से गुजरा तो बुढ़िया से पूछने लगा कि बुढ़िया इधर को जानी चोर तो नहीं गया है और बुढ़िया के भेष में छिपे जानी से खुद अदली क्या पूछता है। बाजारा में करता फिरता चोर देखा हो बुढ़िया मने बता दे जानी चोर देखा हो ओ बाजारा में करता फिरता चोर देखा हो बुढ़िया मने बता दे जानी चोर
घना से खाया खेला खाया खेला अकेला के उसकी गला अकेला के उसकी गला कोई और देखा हो बुढ़िया मने बता दे जानी चोर देखा हो घर तो लूट लिया सारा पाजी ने के दरोगा मारा दरोगा मारा वो बेईमान हत्यारा मन का कठोर देखा हो बुढ़िया मने बता दे जाने चोर देखा हो बाजारा में करता फिरता चोर देखा हो बुढ़िया मने बता दे जाने चोर देखा हो खावन की खतर माल बिराना खावन की खतर करता चोर देखा हो बुढ़िया मने बता दे जाने चोर देखा हो ओ बाजारा में करता फिरता चोर देखा हो बुढ़िया मने बता दे जाने चोर देखा हो हाँ लक्ष्मी चंद रंग पानी का वेद तन से उस अज्ञानी का अज्ञानी का बुढ़िया तन्ने बुढ़िया तन्ने उस जानी का दौरा दौर देखा हो बुढ़िया मने बता दे जानी दौर देखा हो फिरता चोर देखा हो बुढ़िया मने बता दे जाने चोर देखा हो बुढ़िया के भेष में छिपे जानी चोर ने अदली खां को बताया ये खां साहब क्या बताऊं जानी ने तो मुझे ही परेशान कर दिया है क्यों कैसे किस तरह से क्या बताऊं जनाब मैं तो पीसती हूं और वो बार बार मेरा चून उठाकर ले जाता है तो अदली ने विचार लगाया कि यहाँ जानी हाथ आ सकता है कहता है बुढ़िया से कि बुढ़िया तू एक काम कर जल्दी से चाकी पर से उठ जा अपने सारे कपड़े मुझे दे दे मैं चक्की पीसने लगता हूँ
जानी यहाँ जरूर आएगा, आते ही उसे मौत के घाट उतार दूंगा। तो जानी ने अपनी जनानी पोशाक अदली खां को पहना दी और अदली खां के कपड़े खुद पहन लिए। चलते समय जानी कहता है कि खां साहब, आपके जो मूछ दाढ़ी हैं, इनको देखकर तो जानी आपको साफ पहचान लेगा और वापिस चला जाएगा, तो आप ऐसा करो कि इनको भी काट दो। तो अदली ने कहा कि बुढ़िया तू ठीक कहती है, और जल्दी जल्दी में अदली ने अपनी मूछ दाढ़ी भी काट दी। अदली खां 12 बजे से लेकर रात भर चक्की पीसता रहा और जानी चोर महकदे के पास आ गया, उसे अपना सारा भेद बता दिया और फटाफट दोनों वहां से चल दिए और चलते समय एक परवाना अदली के दरवाजे पर लिखकर टांग दिया। और क्या लिख दिया, तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले चला महक दे नारी ने, तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले महक दे नारी ने धम्मन का भी माल लूट लिया, काट में थाने दार कूट दिया। मन धम्मन का भी माल लूट लिया, काट में थाने दार कूट दिया। साले चक्की पीसन कूट दिया, तू देख मेरी हुशियारी ने, दाढ़ी मूछ काट के अदली ले महक दे नारी ने, चला में यार के कारण, यार के कारण कष्ट भरा था, मैं बचना तेना मूल फिरा था। यार के कारण कष्ट भरा था, मैं बचना तेना मूल फिरा था। मेरे ते सवाल करा था नर सुल्तान, यार की यारी ने तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले चला महक दे नारी ने, ले चला महक दे नारी ने, ले चला महक दे नारी ने, तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले चला महक दे नारी ने। तेरी नगरी में समय लिया थोड़ा, तेरी इज्जत का कर दिया झोड़ा। तेरी नगरी में समय लिया थोड़ा, तेरी इज्जत का कर दिया झोड़ा। जे मारे कनी मुंह मोड़ा था, ले जा बेगम तारी ने दाढ़ी मूछ काट के अदली ले महक दे नारी ने, ले महक दे नारी आयो।
छन लक्ष्मी, यो छन लक्ष्मी चंद ने गाया इसी फलादी शहर में माया। यो छन लक्ष्मी चंद ने गाया इसी फलादी शहर में माया। इसे साले के हाथ न आया बेरा था नगरी सारी ने तारी मोका दिखे अदलीले तला में के देना को ले आया और उसके घर पहुंचा दिया गया। ये किस्सा अब यहीं समाप्त होता है।